सो गाइस, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है एक्चुअली में. मैं ध्रुवांश को लेके क्लास से घर घर की तरफ नहीं, गार्डन की तरफ हम लोग जा रहे थे, क्योंकि ध्रुवांश, मानवीर, कृपेशा और शिल्पा तीनों वहां पे हैं. सो मैंने सोचा कि चलो अभी अभी से घर जाके क्या करेंगे, गार्डन में जाते हैं तो ये लोग खेल भी लेंगे. पर हुआ यूं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है. मैंने अनिरुद्ध को सारी डिटेल्स फॉरवर्ड की कि ये सिग्नल दिखा रहे हैं अभी. उन्होंने बोला है कि बैटरी का प्रॉब्लम है, और उन्होंने एक नंबर भी मुझे फॉरवर्ड किया है. जो हमारी डिजायर है उसमें भी सेम ये प्रॉब्लम हुआ था. वो पर्सन आ रहा है, बैटरी का जो भी करना है वो करे, फिक्स करेगा, और फिर मैं यहाँ से जाऊंगी. तब तक मैंने कृपेशा को बोल दिया है कि तू गार्डन से यहाँ स्कूल की ओर आ जा और ध्रुवांश को ले जा, क्योंकि फालतू में यहाँ आधा पौना घंटा हो जाएगा और उसको बिठा के मैं क्या करूंगी. वैसे भी वो स्कूल से डायरेक्ट क्लास आया और वो बहुत ही एग्जॉस्टेड है अभी. बस मैं देखती हूँ कब स्टार्ट होता है. मैं एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको कि प्रॉब्लम क्या हो रही है. देखो, देखिए, ये जैसे मैंने गाड़ी अभी बंद कर दी, ठीक है, ये वाली. अभी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ तो देखना आप. हाँ, एक सेकेंड, ऐसा हो रहा है. देखो देखो, बस ऐसा सिग्नल आ रहा है, देखिए. बस और कुछ नहीं हो रहा है, बस. और वेट करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता है. देखते हैं क्या होता है. ध्रुवांश, हाय करते. हाय. जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी कजिन उसको लेने आने वाली है. वो आ गई है. अभी वो ध्रुवांश को लेके गार्डन में जाएगी. वो शिल्पा, मानवीर, ध्रुवांश खेलेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे. तब तक मैं ये बैटरी का इश्यू सॉल्व करा देती हूँ. इट्स लिटरली लाइक हाफ एन आवर से 45 मिनट्स तक हो चुका है, और वो भैया को ये लोकेशन ही नहीं मिल रहा है. मैंने उनको गाइड किया और व्हाट्सएप पे भी लोकेशन भेजा, पर इधर उधर बाहर का कहीं दिखा रहा है. मैंने उनको बोला कि आप गेट के अंदर आओ, स्कूल के गेट के अंदर, और सिक्योरिटी को पूछो कि जिम्नास्टिक क्लास कहाँ पे है. आपको कोई भी बता देगा. बस वो आ रहे हैं, फिर पता चलेगा कि गाड़ी में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है वो. बस देखते हैं क्या होता है आगे, बिकॉज अभी तो देखो 6:40 हो गए हैं और विंटर है तो जल्दी अंधेरा हो गया है. बट ठीक है, डिनर के लिए सब्जी सब वो लाके रखा है. वो बालजी भाई आके, मेरा कुक है, वो आके सब कुछ कर लेगा. वो टेंशन नहीं है मुझे. बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से मतलब कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, या फिर गाड़ी को सर्विस में देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरा सारा काम रुक जाने वाला है. वो उसके लिए मैं थोड़ी स्ट्रेस में हूँ. बट लेट्स फिंगर क्रॉस एंड होप फॉर द बेस्ट. दैट इज ऑल व्हाट वी कैन डू राइट नाउ. सो लेट्स सी. ये भैया यहाँ पे आके बैटरी चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली में गाड़ी में इश्यू क्या है. उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है. उन्होंने देख लिया है, एक्चुअल प्रॉब्लम बैटरी का ही है. वो सब खोल के पहले पुरानी वाली बैटरी को बाहर निकालेंगे, और ये नई वाली बैटरी उन्होंने लगाई है. या बस ये बैटरी का ही इश्यू था, इसीलिए वो स्टार्ट नहीं हो रहा था. ये मैं उनकी मदद कर रही थी टॉर्च डाल के. आपने देखा कि ऑलमोस्ट आफ्टर 45 मिनट्स टू आर, एक घंटा जितना लग गया, क्योंकि उनको आने में ही 20-25 मिनट हो गई थी. ऑफकोर्स अभी ट्रैफिक बहुत ही होता है. बैटरी चेंज हो गई है. बैटरी का ही इश्यू था. मैंने आपको एक वीडियो बताया जिसमें वो बैटरी चेंज कर रहे थे. एक्साइड की बैटरी डाली है उन्होंने, और इसमें ये वारंटी कार्ड है और इसमें बिल है, ताकि पूरे इंडिया में कभी भी हमारी गाड़ी में बैटरी का इश्यू आए तो नियर बाय जो भी एक्साइड का शोरूम है वहां से हम लोग करवा सकते हैं. और ये बैटरी का जो भी इश्यू था उसको मैंने चेंज करवा दी बैटरी, और उसका कॉस्ट मुझे 4,400 अराउंड हुआ है.
जो कि 4 ईयर्स की वारंटी होती है एंड एक्साइट तो नाम से ही चलता है, मतलब बहुत अच्छी बैटरी आती है. एनी वेज 1 घंटा यहाँ पे ही चला गया है, अब मैं घर की ओर चलती हूँ और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं. सो वो बैटरी चेंज कर रही, फिर मैं घर पे आ गई थी और सबने डिनर विनर किया, सब बैठे थे बातें कर रहे थे और अब रात हो गई है. और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि विंटर के टाइम पे मेरा एक रूटीन बहुत ही फिक्स होता है कि वो ग्रीन चने आते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले चने मेरे फेवरेट है और इसको मैं जब तक ये विंटर ख़त्म नहीं होता ना तब तक हर रोज़ 1-1 किलो लेके खाती हूँ, थोड़े दोपहर को और थोड़े रात को, मेरी आदत है ये खाना. फिर वो तुअर आती है ना, तूर एकदम ग्रीन वाली जो सब्जी में हम बनाते हैं, उसको भी मैं स्टीम करके खाती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. और साथ में मैं कर रही हूँ जो मैंने B&B सलोन के साथ कोलेब्रेशन किया था उसका वीडियो अपलोड कर रही हूँ ड्राइव में, ताकि मेरा फ़ोन का थोड़ा स्पेस खाली हो और यूट्यूब के लिए वो वीडियो भी बन जाए. सो या आप पीछे देख सकते हो ध्रुवांश सो गया है, आज उसको जिमनास्टिक में और स्कूल में जाता है और फिर ना उसको बीच में नींद नहीं मिलती है. सो वो आके डिनर करके थोड़ी देर उसको जो कार्टून या टीवी देखना होता है वो मैं उसको देखने देती हूँ और फिर वो आके सो जाता है. ठीक है, फिलहाल मैं लेके बैठी हूँ ये ग्रीन चने. आप लोग उसको क्या बोलते हो मुझे बताना, क्योंकि हमारे यहाँ गुजराती में तो उसको ग्रीन लीला चना ही बोलते हैं. और विंटर में आपको कौन सी आइटम पसंद है, यानी विंटर तो फुल्ली हेल्दी सारे फूड से वो होता है, सो आपके लिए क्या, आपको क्या अच्छा लगता है? कोई होता है वो हल्दी खाता है, वो जो हल्दी आती है ना येलो और वाइट कलर की वो खाते हैं, कोई आंवला किसी को पसंद होता है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है मुझे आप ज़रूर बताना. तब तक मैं एंजॉय करती हूँ मेरे ग्रीन चने. सो मैं ध्रुवांश को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि इसको स्कूल का छूटने का टाइम हो गया है और उसको क्लास पे भी लेने जाना है. पर उससे पहले सारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मेरा फ़ोन 256 GB का है, उसमें से 234 या 35 GB फुल हो गया है, क्योंकि सारे वीडियोस 4K60 में वो वाली रिजोल्यूशन में मैं लेती हूँ, सो उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है. तो मैं उसको अभी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बहुत ही सारा डेटा वैसे ट्रांसफ़र हो गया है. ये मैंने फ़ोन से अभी लैपटॉप में लिए है, पर मेरे पास हार्ड डिस्क है, मैं उसमें भी ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि फ़ोन का लैपटॉप का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो ध्रुवांश भी यूज़ करता है, उसके पापा भी यूज़ करते हैं, तो गलती से यू नो फोल्डर इधर उधर हो जाता है. पर मैं हार्ड डिस्क में भी ले लूँगी. और आप देख सकते हो हमारे घर में जो मेहमान आए हैं रहने के लिए, उनका रूटीन देख सकते हो, ये आ गए हैं कॉलेज से एंड बैक टू ईटिंग. सो मैं अभी थोड़ी प्रोडक्ट्स, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मुझे आते हैं ब्रांड की ओर से, उसके लिए मैं शूट करने बैठी हूँ. मैं आपको सेटअप बताती हूँ, ये रिंग लाइट लगाई हुई है और यहाँ सब ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. ये है सेंट आइव्स की तरफ से, वो क्या प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको बताती हूँ. और दूसरा मुझे पैकेज आया है प्लम गुडनेस की ओर से, सो देखते हैं दोनों ने क्या क्या भेजा हुआ है. सो या लेट्स ओपन इट. एक हाथ से अनबॉक्सिंग ना बहुत ही टफ होती है, बट प्लीज़ बेयर विथ मी. सो ब्रांड ने, बस एक सेकेंड, हाँ ब्रांड ने मुझे भेजा है एक ये फेस वॉश और ये भी है फेस वॉश, ये ट्यूब में है, ये बॉटल पैकेजिंग में है, और ये है एप्रिकॉट का स्क्रब, और इसके साथ ये क्यूट सा सॉफ्ट टॉवल भी भेजा हुआ है, और बस ये उसकी पैकेजिंग है. एनीवेज, सो इसका शूट है और एक है ये प्लम गुडनेस का. सो बस मैंने अभी वो अनबॉक्स नहीं किया हुआ है, वो करूँगी. और यहाँ पे डेकोरेशन का थोड़ा सामान रहता है कि मुझे अगर बैकड्रॉप में कुछ लगाना है डेकोरेशन के लिए वो सब, तो वो पड़ा रहता है. आप सामने देख सकते हो कि मतलब सब कुछ फैला पड़ा है मेरे बैग में से, और उन मेरे बच्चों के खिलौने वो सब है. यहाँ पे रिंग लाइट है और एक सेकेंड, उसके सामने मैं हूँ. सो बस अभी शुरू करते हैं.
सो यहाँ पे ब्रांड ने मुझे एक बैग भेजा था, सो उसके लिए मैं अभी थोड़े थोड़े शॉट ले रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मुझे कल या परसों तक उनको सेंड कर देना है अप्रूवल के लिए. सो बैग के थोड़े शॉट ले रही थी और थोड़ा सामान भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि इसमें क्या क्या आ सकता है वैसे. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिहाइंड द सीन कैसे होता है. आप लोग सब सिर्फ यही देख पाते हो, पर उसके पीछे भी हमारा पूरा एक आधा एक घंटा चला जाता है सब कुछ इधर उधर सब रखने में. सो या आप देखिए मैं कैसे शूट करती हूँ ये सब. अरे अरे मतलब कुछ टाइम चेंज नहीं हुआ है या दिन चेंज नहीं हुआ है, बस मैंने कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि बहुत सारी ब्रांड का शूट करना था मुझे. सो यू नो एक ही एक कपड़े में नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ा. सो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और आप लास्ट में मैंने ये ज्यूक बैग का वो किया है शूट. सो अभी मैंने ऐसे लगा के ही रखा है, वो मुझे ऐसे शूट करना था कि हाँ मैं लेके घर से बाहर निकली. सो बस ऐसे लगा के ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी. एनीवेज सो एक आज मैंने टोटल एक दो तीन चार चार ब्रांड का शूट किया है, और वो कौन से हैं मैं आपको फिर से बता देती हूँ. एक है ये ज्यूक ब्रांड, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे ब्रांड ने भेजा है और उनके लिए अच्छा बोलना है, ऐसा नहीं है. पर्सनली ये बैग मैं लास्ट अभी 15-20 दिन तो हो ही गए हैं मिनिमम, मैं रफ एंड टफ यूज़ करती हूँ, एकदम रफ एंड टफ, और इतना सामान आ जाता है. ऊपर से बाहर की साइड ये कंपार्टमेंट है, सो ऐसे ना वो की है और वो सब जो हमें बार बार सब सामान इधर उधर करके ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है वो आप बाहर भी रख सकते हो. और वाह मुझे बहुत ही अच्छा लगा बैग, मतलब या थैंक यू सो मच ज्यूक ब्रांड फॉर दिस. और सेकेंड ब्रांड थी ये पी सेफ, उन्होंने मुझे बहुत सारे हैम्पर भेजे हैं, उसमें बॉडी लोशन भी है, फिर वो टॉयलेट सीट का ऊपर जो कवर रखने का आता है वो भी है, और ये स्प्रे बहुत कुछ भेजा है मुझे. मैं शायद अंदर जाऊंगी बॉक्स लेके आऊंगी तो आपको सब कुछ बताऊंगी, मैं एंड में बताती हूँ, चलो कोई नहीं. सो इसका भी मुझे मैंने शूट कर दिया है. सो ये हुई सेकेंड ब्रांड. थर्ड ब्रांड है ये प्लम बॉडी लविंग का. मुझे बॉडी ऑयल आया था और बॉडी मिस्ट आया था, एंड गेस व्हाट, कौन से फ्लेवर में होगा, वेनिला फ्लेवर. ओ माय गॉड, मैं तो वो मिस्ट है ना अब से मेरे पर्स में ही रखूंगी, मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगा ये प्लम का. एनीवेज अच्छा है और US बेस्ड ब्रांड है, सो दे आर द बेस्ट. ओके सो ये हो गई थर्ड ब्रांड. और फोर्थ ब्रांड थी सेंट आइव्स, और उन्होंने मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि उन्होंने मुझे दो फेस वॉश भेजे हैं और एक स्क्रब भेजा है जो कि ठीक है. हाँ बस हो गई पूरी शूट, अभी कोई नहीं उसकी रीली बनानी है और वो सब काम मेरी टीम करती है, मैं नहीं करती हूँ. अभी ये सेटअप मुझे हटाना पड़ेगा, रिंग लाइट, फिर यहाँ पे पूरा बक्सा, उसमें डेकोरेशन रहता है, डेकोरेशन का सामान जो मैं दिवाली पे लाई थी, वो मटकी और फिर वो ट्रायंगल ऐसे अच्छे अच्छे थे वो लाई थी मैं. सो बस वही, और तो कुछ नहीं, आज कुछ खास नहीं करने वाले हैं हम. कल तो मेरी बर्थडे है 24 नवंबर को, आई एम सुपर एक्साइटेड. बट मैं चाहती थी कि उससे पहले मैं थोड़ा काम वाइंड अप कर दूँ, तो क्या वो रिलैक्सिंग हम फील करें ना कि हाँ चलो, मतलब कोई बर्डन नहीं है हमारे सिर पे, सब अच्छे से काम हो रहा है. मेरा काम है सिर्फ शूट करना, कंटेंट क्रिएट करना, बाकी का जो एडिटिंग पार्ट होता है वो मेरी टीम हैंडल करती है. सो बस मैं अभी ये सब कुछ मेरे ड्राइव में अपलोड कर दूंगी ताकि उन तक पहुंच जाए अच्छी क्वालिटी में, और बस बाकी का आगे का काम वो हैंडल करेंगे. एंड या